लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस लगातार लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रही है और अब तक 13 लिस्ट निकाल चुकी है। कुल 235 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। ऐसे में ये सवाल बना हुआ है कि अमेठी और रायबरेली से सीट से कांग्रेस की ओर से कौन लड़ने वाला है। इस सवाल के बीच एक बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की है और उस इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोग मुझे संसद में देखना चाहते हैं, चुनाव आते ही मुझे टारगेट करती है बीजेपी, लोग चाहते हैं कि मैं संसद से जवाब दूं। इस चर्चा के बीच रॉबर्ट वाड्रा की ओर से एक बयान सामने आया और जिससे ये संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को पार्टी यहां से उम्मीदवार बना सकती है। रायबरेली और अमेठी ये दोनों ही सीटें गांधी परिवार के लिए काफी अहम मानी जाती हैं। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो रिलीज करने वाली है। रॉबर्ट वाड्रा साहब थे हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए आपके पार्टी के अंदर से कि लोग चाहते हैं कि अब आप भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाएं। इस बात की कितनी गुंजाइश है वाड्रा साहब, क्योंकि मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देख रहा था कि इस दफ़ा आप रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ जाएं? हमेशा जब भी इलेक्शन होता है तो मेरा जिक्र होता है कि मुझे कदम लेना चाहिए राजनीति में। हालांकि मैं राजनीति से दूर नहीं हूँ, क्योंकि चाहे जब मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है और देश भर में लोग मेरे से भी बहुत उम्मीद रखते हैं। परिवार के लिए जब भी कोई ज़रूरत पड़े प्रचार करने की तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। आप लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं? हमेशा रहता हूँ, पर मैंने उसको कभी राजनीतिक तौर से नहीं देखा। ये मेरा निजी मतलब मेरा इंटरनल है और जब भी इलेक्शन होता है तो मेरा नाम याद रखते हैं और मेरे नाम का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस समय लोगों को लगा कि ये एक पॉलिटिकल विच हंट है, जिसमें अगर पॉलिटिक्स से आप दूर हैं फिर भी आपको दूर रखते नहीं हैं, तो अगर आप पार्लियामेंट में होंगे तो अपनी बात जो सफाई करने की बात होती है वो आप बड़े पैमाने पर रख पाएंगे, तो आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए। देखिए, मैंने प्रचार 99 से किया तो सबको लगता है कि अगर मैं राजनीति में भाग लूँगा तो मैं और उनकी मदद ज़्यादा कर पाऊँगा, जो भी क्षेत्र चुनूंगा उसमें लोग और क्षेत्र उभर के आएगा और कांग्रेस पार्टी को लगे और लोगों को लगे कि मेरे को राजनीति में आकर बहुत फ़र्क ला सकता हूँ और अपनी मेहनत से अपने नाम से, तब मैं ज़रूर उसमें भाग लूँगा। पर जैसे मैं कहूँगा फिर से, मैं राजनीति से दूर नहीं हूँ। क्या वो वक्त वाड्रा साहब अब है? ऐसा चैलेंजिंग टाइम कांग्रेस का दिख रहा है जब बहुत से नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में गांधी फैमिली का ही एक सदस्य इन दो बड़े हाई प्रोफाइल सीटों में से किसी एक से लड़े तो राइट मैसेजिंग नहीं होगी? देखिए, क्या होता है कि देश भर में खाली रायबरेली या अमेठी से नहीं, देश भर में लोग चाहते हैं कि कभी मुझे पता चलता है गाज़ियाबाद और मुरादाबाद और कोई बोलेगा तेलंगाना या अलग अलग स्टेट से लोग कहते हैं कि आप आइए और इस क्षेत्र से आप ज़रूर अपना नॉमिनेशन साइन करिए, तो उनको ज़रूर लगता है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कि उनको उनके क्षेत्र से आए, और क्योंकि हमने बहुत मेहनत की, हमें चप्पा चप्पा हर जगह पता है और मुझे ज़रूर लगा है कि उनको उनको ये महसूस हुआ है कि उनसे गलती हुई है कि स्मृति ईरानी जी को वहाँ सांसद बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा है कि जितनी मेहनत राहुल ने की और पूरे परिवार ने, प्रियंका वहाँ रहे, पर जो भी कारण हुआ, पर उनको लग रहा है कि वो दोहराना नहीं चाह रहे, वो चाहते हैं गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आए और उनके उनके साथ भाग ले और वो भारी बहुमत से जिताएंगे। जब से मेरी इस परिवार के साथ संबंध बना, मैं हमेशा पॉलिटिक्स या राजनीति से और पब्लिक लाइफ से दूर रहा, पर मुझे लगा कि अलग पार्टियों ने मेरे को खींचा पॉलिटिक्स में आने के लिए, पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स को समझने के लिए और अपनी जो मेरी एक पोजीशन है जो जिससे मैं दूर रहता हूँ, और मैं मुझे लगता है कि मैं अभी भी आम व्यक्ति हूँ, पर उनको लगता है कि एक सॉफ्ट टारगेट हूँ या जो भी है, तो उसके वजह से मुझे पॉलिटिकली इंगेज करना पड़ता है, पॉलिटिकली समझना पड़ता है कि मेरी पोजीशन क्या है या मेरा संबंध के वजह से मेरी क्या मुश्किलें हैं और मेरी क्या
पॉजिटिव है, तो उसके वजह से मैं पॉलिटिक्स में दिलचस्पी देख लेता हूँ, समझता हूँ, अपनी पोजीशन को समझता हूँ और मैं दूर नहीं हूँ। मेरे को लग रहा है अगर जब प्रियंका पहली कदम लेती हैं और मतलब सांसद बनती हैं तो फिर मेरे को कोई रोक नहीं होगा, और अभी भी रोक नहीं है, पर मुझे ज़रूर लगता है कि प्रियंका की पोजीशन वहाँ अभी है और उनको होना चाहिए, और उसके बाद मैं ज़रूर आऊँगा राजनीति में। तो ये तो सर मैं आपसे यही पूछने वाला था कि इस बात की कितनी गुंजाइश है कि आप इस दफ़ा आ जाएं, तो सर क्या इस बात जो आपने कहा क्या इसकी गुंजाइश है, क्योंकि हमें तो ये पता चल रहा था कि प्रियंका जी इज़ नॉट कीन, वो नहीं लड़ना चाहती इस बार। नहीं, वो आपको प्रियंका की जो सोच है उसको उसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ, वो उन्हीं की सोच है। एज अ हस्बैंड आप क्या पैरवी करेंगे सर, लड़ना चाहिए कि नहीं? मैं तो ज़रूर, मैंने जैसे कहा कि वो प्रचार करते हैं और लोग उनको बहुत चाहते हैं और वो मेहनती हैं, निडर हैं, और जितनी भी परेशानियां हैं वो उसको झेलती हैं, और जब भी कोई भी पार्टी उनके ऊपर कुछ उनके लिए या उनके परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए कुछ भी बोलती हैं तो बाहर आती हैं, निडर हैं, लड़ती हैं, लोगों के लिए लड़ती हैं, तो ज़रूर उनकी जो पोजीशन है उनको संसद में होना चाहिए। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मेरा अनुभव है, जो लोग मिलते हैं मुझे घर के बाहर या दफ्तर के बाहर, तो वहाँ उनकी यही है पुकार कि ये जो बांटने की राजनीति हो रही है और माइनॉरिटीज़ एक तरफ जा रहे हैं और अलग अलग जो भी फेथ है वो सब अपने 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 बिलीफ में जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट, एक सेक्युलर इंडिया की बहुत ज़रूरत है। हम देख रहे हैं पार्टी को कई प्रोमिनेंट लीडर्स जो जिनका चेहरा जाना जाता है वो छोड़ के जा रहे हैं। हमने देखा बॉक्सर विजेंदर सिंह छोड़ के चले गए, आपके स्पोक्स पर्सन थे, नेशनल स्पोक्स पर्सन, चुनाव लड़े राजस्थान से गौरव बल्लभ छोड़ के चले गए, संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया गया, पहले भी इस तरह से। सर क्या आज की तारीख में, मैं सीधे आपसे पूछता हूँ, गांधी फैमिली क्या कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर पा रही है? जहाँ भी हमारी सरकार है लोगों को, बीजेपी जितने भी सांसद हैं उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो मिनिस्टर हैं उनको या परेशान करते हैं या किसी ना किसी तरीके से उस गवर्नमेंट को चलने नहीं देते हैं। जो छोड़ के जा रहे हैं, मुझे पता है ये हमेशा होता है, जब उनको टिकट नहीं मिलता है या एक पोजीशन नहीं मिलती है उनको लगता है कि दूसरी पार्टी से मिलेगी, और जो दूसरी पार्टी में डायनामिक है वो दिखाई दे रहा है कि किसी को मिनिस्ट्री दे देंगे, किसी को कोई तरीके से पोजीशन देंगे, जहाँ दूसरी पार्टियों को लगता है कि हमें यहाँ नहीं मिल रहा है तो वहाँ मिलेगा, पर ये आना जाना तो ये सदियों से चलता आ रहा है। सर एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, बात करते करते मेरे जहन में आया, जिस तरह से केसेस आम आदमी पार्टी, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर खुद जेल में है, संजय सिंह को जमानत ज़रूर मिल गई, इस पूरे प्रकरण को आपका इस पर क्या व्यू? मेरा ये था कि देखिए, चाहे हमें लगे कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा हो, पर वो आगे कोर्ट में जो भी मामला होता है वहाँ क्लियर किया जाता है, तो अगर कभी भी कोई सामान आता है किसी को, सीधा उनको शामिल होना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए ईडी के दफ्तर, और जो भी सवाल हैं उसके जवाब दें। मैं विदेश में था जब मेरी बेटी का ऑपरेशन हो रहा था टांग का, और मेरे को समन मिला था, मुझे याद है, मैं वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आया था दिल्ली, और जिस दिन समन था उससे एक दिन पहले भी उनके पास पहुँचा, जितने सवाल हैं उसके जवाब दिए, जितने बारी बुलाया मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि मुझे इसमें खुद अनुभव है कि 9 बारी बुलाने का मतलब होना नहीं चाहिए था कि उनको सीएम साहब को मतलब कि बुलाना पड़े 9 बारी, और अगर वो जाते, और मुझे लगता है कि अगर कोई गलत काम नहीं किया तो घबराने की कोई बात होती नहीं है, जवाब दो, बैठो जितनी देर वो बुलाते हैं, और ना कोई ईगो होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए, वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, और अगर हमें लग रहा है और पूरे देश को पता है दुरुपयोग हो रहा है पार्टी के द्वारा, बीजेपी की पार्टी के, पर वो एक एजेंसी है, बुलाती हैं तो उनको अवॉइड नहीं कर सकते, वहाँ समय से पहुँचो और फिर कोई क्वेश्चन नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए वाड्रा साहब, रॉबर्ट वाड्रा साहब, जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की राजनीति को लेकर के, गांधी परिवार को लेकर के, एक बात बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा कि
ये बात ज़रूर है कि सक्रिय राजनीति में आने के लिए बहुत से कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता नेता चाहते हैं कि अब रॉबर्ट वाड्रा साहब को भी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सक्रिय तौर पर आएंगे और उसके बाद वक्त आएगा जब रॉबर्ट वाड्रा भी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आएंगे। कैमरामैन वेद पांडे के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP News, दिल्ली।